हिमालय सदियों से दृढ़ता के साथ खड़ा है। कौन मनुष्य है जो बार बार उस तक ना पहुंचना चाहता हो? हिमालय में कुछ ऐसा आकर्षण है जो हर किसी को अपने पास बुलाता है और अपनी ओर खींचता है। हिमालय के बारे में मैंने गहराई से तब जाना जब मैं विश्व की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी चोटी सागर माथा पर पहुंची थी। वहां पहुंचकर मैंने घुटने टेके और नतमस्तक होकर माँ दुर्गा को नमन किया, फिर हनुमान चालीसा हिमालय की चोटी पर रखी। उसके बाद वहीं से कुछ तस्वीरें खींची। जब वापस लौटी तो तारीफ के पुल और बधाइयों के फूल राह में मेरा स्वागत कर रहे थे। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वयं मुझे बधाई दी थी। सबसे पहले 12 वर्ष की उम्र में मैं अपने स्कूल की ओर से पिकनिक मनाने के लिए सहपाठियों के साथ हिमालय की लगभग 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ी थी। तब अंधेरा हो जाने के कारण हम सबको पहाड़ की चोटी पर ही रात भर रुकना पड़ा था। न कुछ खाने को था, न ओढ़ने बिछाने को। परंतु पहाड़ पर चढ़ने के इस अनुभव ने मेरे मन में पहाड़ों के प्रति विशेष अनुराग जगाया। यह अनुराग जुनून में बदला और 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहुंचने में मैंने सफलता पाई। जीवन में हर किसी को एक बार पहाड़ पर जरूर चढ़ना चाहिए। कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, नीचे देखने के लिए झुकना ही पड़ता है, अर्थात झुककर रहने वाले ही सफल माने जाते हैं। मेरे हिसाब से हिमालय तक पहुंचने के लिए चाहिए सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति। जब मकसद होता है तो उसके लिए मन अपने आप बन जाता है। हिमालय तक पहुंचने के लिए उससे प्यार और लगाव होना भी जरूरी है। यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ के सुंदर नजारों की कल्पना करनी चाहिए। पहाड़ पर चढ़ने वालों को कम सुविधाओं में जीवन जीना आ जाता है। कपकपा देने वाली ठंड में 2-3 हजार मीटर की ऊंचाई पर जब बिना कपड़ों के तपस्या में लीन ऋषियों को अपने सामने देखते हैं तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हिमालय पर जाने का अपना अलग रोमांच है। वह पर्वत न होकर मानो जादुई संसार है जहाँ पहुंचकर आप रोमांचित होते हैं। आप जानना चाहते हैं कि हिमालय कैसे बना होगा? हिमालय पर आने वालों को नई जिंदगी मिलती है। यहाँ बादल पहाड़ों की चोटियों को चूमते हैं। बादल कई बार इतने नजदीक से छूकर गुजरते हैं कि बालों में ओस छोड़ जाते हैं। कई बार बादलों के आगे कोहरा ऐसे आता है जैसे किसी ने पर्दा गिरा दिया हो। आप हर पल आश्चर्यचकित एवं अचंभित होते हैं। जिन्हें बर्फ से खेलना है वे यहाँ सर्दियों में जाएं, और जो रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता का खजाना देखना चाहते हैं वे जून जुलाई या अगस्त के महीनों में जाएं। चाहे जिस मकसद से आप वहाँ जाएं, जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो नई सोच, नया जीवन और स्वच्छ आत्मा के साथ आते हैं। हिमालय एक पाठशाला है जहाँ सीखते रहने का कोई अंत नहीं है। हिमालय पर फूलों की घाटी है जहाँ ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं जो केवल वहीं देखे जा सकते हैं। वहाँ लगभग 14,000 किस्मों के फूल और जड़ी बूटियाँ हैं। ऐसा अनछुआ सौंदर्य जिसे देखकर कोई भी सुध बुध खो दे। कई बार राह में फूलों का बिछौना आता है जो कहीं पीला, कहीं लाल तो कहीं गुलाबी होता है। यहाँ प्रकृति स्वयं ही हर ऋतु में नई सुंदरता, नए रूप में प्रकट होती है। चलते हुए कभी कभी सोचना पड़ता है कि कदम कहाँ रखे। हम फूलों पर पैर रखकर पाप तो नहीं कर रहे? बर्फीले पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सदाबहार नदियां देखने का अच्छा अनुभव होता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना कैसे बर्फ से नदियों का रूप लेती हैं, यह देखकर मन प्रफुल्लित होता है। हिमालय पर चढ़ाई करते समय लगभग 3-4 हजार मीटर की ऊंचाई तक मुश्किल नहीं होती। यहाँ से और ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर पहुंच सके। हिमालय पर रह रहे जानवरों का जीवन देखने लायक होता है। ये जानवर तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाते
जब तक आप उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। हाँ, एक बात और, कुछ लोग यति से डरते हैं। मैं तो बचपन से पहाड़ों में पली बढ़ी और कई बार हिमालय पर गई, पर मुझे कभी कोई यति या हिम मानव नहीं मिला। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हिमालय पर चढ़ने वालों को पानी बहुत पीना चाहिए, क्योंकि वहाँ हवा में नमी कम होती है। जब सांस ले रहे होते हैं तो आप सूखी हवा खींचते हैं और सांस छोड़ते हैं तो भाप से निकलती है। नमी निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। चढ़ाई के दौरान बर्फ देखकर ज्यादा कपड़े पहनने से भी पसीना खूब आता है। पसीने के रूप में पानी निकल जाना भी अच्छा नहीं रहता, इसलिए वहाँ प्रतिदिन 4 लीटर से अधिक पानी पीना चाहिए। हिमालय दर्शन सही मायने में आत्मदर्शन है। कर आइए हिमालय दर्शन, कम से कम एक बार।